देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में देखी जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में जमीनी स्तर की बात की जाए तो 15 वर्ष से भाजपा की सरकार के कार्यकाल का दंश झेल रही जनता अब भाजपा से उपती हुई भी दिखाई दे रही है। जहां एक ओर इस कुक्षी विधानसभा से भाजपा ने ऐसे उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जो कांग्रेस से निकलकर हाल ही में भाजपा में आया, तो वहीं दूसरी तरफ अपना विश्वास जताया मीडिया द्वारा इस कड़ी टक्कर में जमीनी तलाश कर मतदाताओं की नब्ज टटोली गई तो ये टक्कर मुंह मियां मिट्ठू साबित हो रही है और जनता में भाजपा सरकार को लेकर काफी विरोध भी सामने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण मजदूर का कहना है कि इस सरकार ने पूरे अपने शासनकाल में कागजों में जनता को उलझा रखा है, जो योजनाएं चलाई गई हैं वो अभी तक हम तक आई ही नहीं है। सरकार किसकी होना चाहिए? कांग्रेस की। क्यों होना चाहिए कांग्रेस की सरकार? बीजेपी सरकार आपको सहायता दुनिया भर की तो दे रही, योजनाएं बहुत से नहीं है। अच्छा, बड़ा क्या भाव? रोड देखो, पहले बड़ा का रोड बीच में, हम लोग का घेर घेर के ना हम परेशान हो रहे थे। अच्छा, अरे बीच भाव का बड़ा हाँ। कपास का इस साल बड़ा कितना भाव रहा, कब से चुनाव आने के कारण 3-4 हज़ार में ये खत्म कर दो भाव का। मतलब यानी कि आपकी बात परिवर्तन होना मांगता है। काश्तकार को क्या फायदा है? किसान नाराज है। किसान पूरी तरह नाराज है। मतलब किसान करते हैं। वीरेन बघेल साहब जो बता रहे हैं हमारे प्रत्याशी आपके बड़दा के, वो कहने लगे कि मैं बड़दा का रहने वाला हूँ। आप नहीं पहचान? ये बाबली के है ना? आप बाबली के हो तो कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो आप? 20 साल हो गए। तो आप वीरेन बघेल एक प्रत्याशी है, भाजपा प्रत्याशी है, तो उनके बारे में क्या कहना पड़ता है? अब की बार सरकार कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की? है कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों आना चाहिए? लड़के कितने बेरोजगार हो गए? अच्छा है? और महिला कितने बलात्कार हो गए? अच्छा अच्छा, इसलिए सब सरकार बदलना चाहिए। 15 साल हो गए। तो आपके विचार जो है क्यों बदलना चाहिए? आपने लड़के की बेरोजगारी की बात करी, महिलाओं का अत्याचार, आप तक बेरोजगार रह गए, आज तक करा क्या? करा क्या? बड़े लोगों की सरकार है। बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, अभी तक कहाँ आया? 15-15 लाख रुपए डालने का आज तक किसी ने नहीं डाला। 15 लाख, इसलिए आपने विचार बदल दिए हैं कांग्रेस में देना। अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? मोती सिंह है। मोती सिंह। मोती सिंह जी, थोड़ा सा आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार होना चाहिए? कांग्रेस की। क्यों कांग्रेस की होना चाहिए? 15 साल हो गए, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। अच्छा, बेरोजगारी कितने लोगों को अभी तक रोजगार में ओवरेज हो रहे हैं। तो आपके गांव के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह बघेल और भाजपा से प्रत्याशी बने, आप क्या उनको सपोर्ट? प्रत्याशी बनाया तो क्या हुआ? अच्छा, मतलब यानी कि अब की बार कांग्रेस सरकार आना चाहिए, परिवर्तन होना है। अच्छा, एक लबाना करे मन जानिया तो बीजेपी को गाली सतत गाली तो कुछ ये होना चाहिए। अफवाहों की, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, घोषणाएँ कर रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, मूल रूप से जमीनी स्तर पर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। खबर समय जगत के लिए कुक्षी से सज्जाद खान की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।